हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी फील हो रही होंगी व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, जैसे नौजिया, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मॉर्निंग सिकनेस, लिथार्जी, टायर्डनेस। ये सब बिल्कुल नेचुरल है और ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पार्ट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे टफ है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सबसे ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो आपको इस ट्राइमेस्टर को स्मूथली निकालने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स कंप्लीटली क्योर ना हो, बट कुछ हद तक उनमें आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नौजिया की। अब नौजिया में ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉमिटिंग आए, नौजिया में ये भी होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग होती है कि बस अभी आपको वॉमिटिंग आने ही वाली है, आपको काफी फुल, काफी हैवी फील होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, आपको हर 2 घंटे में छोटी छोटी मील्स लेनी है। ये बहुत ही जरूरी है, इनफैक्ट ये ग्राउंड रूल है। हम टिपिकली क्या करते हैं, हमें इतनी हैवीनेस और इतना अजीब सा फील हो रहा होता है कि हमें खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा होता, और वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है व्हेन इट कम्स टू नौजिया, एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड दी अदर प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो चाहे आप इतना सा ही कुछ खाएं, चाहे ड्राई फ्रूट खा लें, पीनट्स खा लें, बिस्किट खा लें, मतलब ऑल्दो मैं सजेस्ट करूंगी कि बिस्किट की बजाय आप हेल्दी चीजें ही खाएं, बट हर 2 घंटे में आप छोटी छोटी मील्स लीजिए। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड रेमेडी है अदरक। अदरक बहुत हेल्प करता है व्हेन इट कम्स टू नौजिया। जब आपको बहुत ज़्यादा नौजियाटिक फील हो रहा है तो एक छोटा सा स्लाइस अदरक का लीजिए, उसे अपने मुंह में रख लीजिए, दांतों के बीच में दबाइए, अदरक का रस जो है वो आपके अंदर जाता रहेगा और वो आपकी नौजिया फीलिंग को हील करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। मिल्क टी की बजाय मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे अदरक और लेमन की आपने टी पी ली सिंपल सी, क्योंकि टी भी लिमिटेड होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मैक्सिमम 2 कप्स आप दिन में ले सकते, ज्यादा नहीं ले सकते। तो आप ये कर सकते हो अगर आपको अदरक डायरेक्टली लेने का मन नहीं है। अदरक का अचार आप खा सकते हो, वो भी बहुत हेल्प करता है। हर मील के साथ आप अदरक का अचार खाओ, उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। और तीसरी रेमेडी है कि आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हो। गाइस, यहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें मॉर्निंग सिकनेस ही होती है। शाम तक आके तो बॉडी काफी बेटर फील करना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले आप 1 ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो। उसके बाद विद इन 15 मिनट्स या तो आप एक फ्रूट खाओ, एंड द बेस्ट फ्रूट टू ईट इज बनाना। बनाना इज फुल ऑफ मैग्नीशियम एंड गुड न्यूट्रिशन। या फिर आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, जो आप ड्राई फ्रूट्स खाओ वो रात को भिगोए हुए होने चाहिए, और विद स्किन खाओ। आप एलमंड्स खा सकते हो, आप वॉलनट्स खा सकते हो, आप किशमिश खा सकते हो, तो आप कुछ भी इनमें से खा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको डायबिटीज या कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है कि ये चीजें आप खा सकते हो, वो आपको विद इन 15 मिनट्स ऑफ उठने में खाना है, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है, चाहे वो छोटी ही क्वांटिटी हो। ओके, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। एसिडिटी हो रही है, हैवीनेस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, बिल्कुल खाना देख के खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो यहाँ पे ये रेमेडीज काम आएंगी। नंबर 1 रेमेडी है अजवाइन। अजवाइन को आप थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लीजिए, उसमें काला नमक डाल लीजिए और हल्के गर्म पानी के साथ 1 स्पून अजवाइन आप ले लीजिए। ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करने में, आपकी ब्लोटिंग को कम करने में, और अगर खाना खाने के बाद आपको ऐसी हैवीनेस वगैरह फील हो रही है, तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। दूसरा डाइजेस्टिव इसी तरीके से होता है सौंफ। आप खाली सौंफ भी ले सकते हैं, आप सौंफ में थोड़ा चीनी डाल के भी ले सकते हैं। अगर डायबिटीज वगैरह है तो अगेन आपको शुगर कंटेंट का ध्यान रखना है, बट मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा बहुत चीनी डाल के आप ले सकते हो अगर आपको नॉर्मली नहीं पसंद। तीसरी रेमेडी है आपका खाना खाने का स्टाइल। तो जब आपको लगे कि बस आपको 2 चम्मच और खाने हैं और फिर आप फुल हो जाओगे, उसी टाइम पे आपको अपना खाना रोकना है। मतलब यू हैव टू स्टॉप बिफोर यू आर फुल। इस तरीके से आपको एक हैवीनेस की फीलिंग नहीं होगी। आपने थोड़ा सा जो एपेटाइट अपनी रोक ली है, उसी की वजह से आपकी जो हैवीनेस और ब्लोटिंग है वो आपको कम फील होगी। अगली रेमेडी है बटर मिल्क, जिसको छाछ बोला जाता है। गर्मियों का टाइम है तो छाछ पीना और भी आसान है। अगर आप छाछ नहीं पी सकते तो अपने दही में आप काला नमक और जीरा और अजवाइन का पाउडर डाल के ले सकते हो, वो भी बहुत हेल्प करता है। बट अगर आप छाछ पी रहे हो तो उसमें एक चुटकी भर हींग डाल लो और थोड़ा सा काला नमक डालो और फिर वो पियो। बेस्ट टाइम इसका होता है दोपहर के टाइम में। छाछ जो होती है बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का, और ये आपकी ब्लोटिंग, एसिडिटी को भी कम कर देता है और आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है।
एंड द नेक्स्ट रेमेडी इज वॉक. अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, बट वॉक करने से हमें डॉक्टर्स मना नहीं करते हैं अनलेस यू हैव अ क्रिटिकल कंडीशन. तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप अपना लंच कर लें और डिनर कर लें उसके 20 मिनट्स बाद आप एक ग्लास पानी पिएं, कोशिश करें तो थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, और उसके बाद एटलीस्ट 1000 to 1200 स्टेप्स वॉक करें. ये वॉक स्लो वॉक होना चाहिए, ये आप घर में ही कर सकते हो, बट ये करने से आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी बेटर होगा, आपको लाइट फील होगा, नेक्स्ट मील के लिए भी आप बेटर फील करोगे एंड आपको हैवीनेस नहीं होगा. ओके, अब बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की, कॉन्स्टिपेशन. अब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जोर अपने अब्डोमेन पे नहीं लगाना चाहते हो. ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है. तो क्या करें कि हम कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें? अब टिपिकली अगर मेरे साथ कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी तो मैं पपाया खाती थी और वो ठीक हो जाता था बिकॉज पपाया इतना रिच इन फाइबर है. बट आपको पता है कि प्रेगनेंसी में पपाया और पाइनएप्पल बिल्कुल मना है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ये रेमेडीज आप फॉलो कीजिए. सबसे पहला, रात को सोने से पहले आप एक ग्लास गरम दूध लीजिए, उसमें एक चम्मच हनी डालिए और वो पी लीजिए. ये वैसे भी बोला जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को रात को सोने से पहले लेना चाहिए. ये क्या करता है, बहुत अच्छा काम करता है ओवरनाइट आपकी बॉडी को हील करने के लिए, बहुत सारा न्यूट्रिशन देता है आपकी बॉडी को, सुबह आपका स्टमक क्लियर कर देता है. दूसरा, आप दिन में 3 तरीके के फ्रूट्स खाइए. फ्रूट जूसेस मत पीजिए बट फ्रूट्स खाइए, वो भी आपकी बॉडी को बहुत सारा फाइबर देते हैं जिससे आपका स्टमक क्लियर होता है. तीसरा, आपको दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही है. मुझे तो लिटरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे लगता था कि मैं एक ग्लास पानी भी पीती थी तो मुझे लगता था मैं काफी फुल हो गई हूं, मुझे हेवीनेस हो रही है, तो मैं एक और ग्लास कैसे पी पाऊंगी. बट अगर आपको इन प्रॉब्लम्स को दूर रखना है तो आपको गिन के 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना है. आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर पानी नहीं पी पा रहे तो ठंडा पानी पीजिए, कोई बात नहीं, बट आप पानी जरूर लीजिए या लिक्विड्स इन अदर फॉर्म्स लीजिए, जैसे नींबू पानी ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, बट इस तरीके से अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए. नेक्स्ट, आप मेक श्योर करें कि आप फाइबर रिच डाइट जरूर लें. कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं, जैसे समर्स का टाइम है तो हम लोग खीरा खाना बहुत प्रेफर करते हैं, तो मेक श्योर आप खीरे को विद स्किन खाएं, ऑब्वियसली अच्छी तरीके से धोने के बाद, बट उसमें बहुत फाइबर होता है. इसी तरीके से जब आप बादाम भिगोते हैं और खाते हैं, तो ये काफी बड़ा मिथ होता है प्रेगनेंसी में कि हमें स्किन उतार के बादाम खाना चाहिए, यू नो वाइट चीजें हमें ज्यादा खाना चाहिए. गाइस, ये बिल्कुल मिथ है. इनफैक्ट आपको स्किन के साथ भीगा हुआ बादाम खाना चाहिए, वो आपको और फाइबर देगा. और हो सके तो आप होल दाल्स खाइए, उससे भी आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा और ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा. एंड द नेक्स्ट रेमेडी इज गुलकंद. अगर आपको कहीं अच्छी जगह से ऑर्गेनिक गुलकंद मिले तो गुलकंद खाना भी बहुत अच्छा होता है. ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है, बट ऑब्वियसली आपको अंडरलाइन कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज होना प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन हो जाता है, तो आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये सब चीजें आपको हार्म करें. तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर वो अलाउ करें तो आप गुलकंद खाइए. इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी को कूल रखती हैं, एसिडिटी लेवल को डाउन रखती हैं और कॉन्स्टिपेशन को भी क्लियर करती हैं. एंड दैट्स इट गाइस. लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि जब आप अपने डॉक्टर को फर्स्ट विजिट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तभी आप उनसे ये सारी SOS मेडिसिन भी लिखवा लीजिए, बिकॉज कई बार बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, आप कुछ भी अंदर रख नहीं पा रहे हो या कुछ भी नहीं खा पा रहे हो, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर चाइल्ड्स हेल्थ. तो इट इज बेटर कि आपने कोई SOS मेडिकेशन लिखवा ली. एंड इसके अलावा जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाते हैं, वो टाइम टू टाइम जरूर लीजिए. कई बार हम सप्लीमेंट्स को टाइम पे नहीं लेते जिसकी वजह से हमें ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस, ज्यादा नोजिया फील होता है, बिकॉज सप्लीमेंट्स भी थोड़े हैवी होते हैं ऑन द बॉडी. सो मेक श्योर यू टेक देम ऑन टाइम. आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी. प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं और आने वाले टाइम्स में और भी आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें. हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एवरीवन.